ब्रेक बिना ब्रेक डाउनलोड टक ऐप एकदम घटिया तरीके से दिखाया गया है। ये कर रहे हैं दो पैसों के चक्कर के अंदर, ये इतना खराब दिखा रहे हैं आने वाली पीढ़ियों को। क्या क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? तो हम सरकार को ये चेताना चाहते हैं कि इसको तुरंत प्रभाव से एक नोटिफिकेशन जारी करे, ये बंद हो, नहीं तो एक बहुत बड़ा जन आंदोलन हो जाएगा जिसकी सरकार खुद जिम्मेदार होगी। अगर किसी गलत फहमी है कि अगर सूरजमल अकेले को अगर ये गलत दिखा के कि जाट राजा है, तो जाट राजा नहीं, पहले ये राजस्थान का इतिहास है। एकदम घटिया तरीके से दिखाया गया है, ये कर रहे हैं दो पैसों के चक्कर के अंदर। पानीपत मूवी को लेकर राजस्थान में जाटों का विरोध तेज हो गया है। इस समय राजमंदिर सिनेमा हॉल के बाहर जाट प्रोटेस्टर्स इकट्ठे हुए हैं। इनके अलावा करनी सेना के प्रोटेस्टर्स भी यहां पर आए हुए हैं और इनका विरोध है पानीपत मूवी को लेकर। कुलदीप चौधरी हैं, युवा जाट महासभा के प्रदेशाध्यक्ष हैं आप, ये बताएं किस बात को लेकर विरोध है? ये पानीपत फिल्म में के अंदर है हमारे हिंदुजा सम्राट जो कि हम हमारा इतिहास है उनका, और हम उनको बिल्कुल एक आदर्श मानते हैं। हमारे पीढ़ियों से जिनके लोक गीतों में जो है हमारे दिलो दिमाग में बसे हुए हैं, एक ऐसा चरित्र बसा हुआ है कि जिसका नाम लेते ही अपने आप जोश आ जाता था, उसको एकदम घटिया तरीके से दिखाया गया है। ये कर रहे हैं दो पैसों के चक्कर के अंदर, ये इतना खराब दिखा रहे हैं आने वाली पीढ़ियों को। क्या क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? तो हम सरकार को ये चेताना चाहते हैं कि इसको तुरंत प्रभाव से एक नोटिफिकेशन जारी करे, ये बंद हो, नहीं तो एक बहुत बड़ा जन आंदोलन हो जाएगा जिसकी सरकार खुद जिम्मेदार होगी। कुलदीप जी, महाराजा सूरजमल के बारे में तो लोग जानते हैं, वो एक निडर राजा के तौर पर माने जाते थे, वो करेजियस माने जाते थे, ब्रेव माने जाते थे, साहसी माने जाते थे, पर ये बताएं कि क्या आपने मूवी देखी है, किस बात को लेकर विरोध कर रहे हैं? उसके अंदर कटिंग में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि वो मराठाओं को मान, चलो वो महान है उनको मान दिखाओ, लेकिन किसी को नीचा क्यों दिखा रहे हो? किसी के इतिहास से छेड़छाड़ होगी तो उसका वर्तमान भी बिगड़ेगा, आने वाली पीढ़ियां बिगड़ेगी। क्या क्या मैसेज देना चाह रही है? मतलब मैं आपसे जानना चाह रहा था किस बात को लेकर विरोध है, क्या क्या सीन है? जो भी उनको एकदम लालची दिखाया गया है, डरपोक दिखाया गया है, जो कि एक मतलब कि जो लड़ने का साहस भी नहीं दिखाया गया, मतलब बिल्कुल घटिया तरीके से पेश किया गया है उनको। क्या आपने मूवी देखी है? मैंने मूवी नहीं देखी, उसको कटिंग थी उनको देखा है, उसी के फिल्म तो देखने का सवाल ही नहीं पैदा होता। सूरजमल करनी सेना से है और उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। महिपाल सिंह मकराना जी, आप यहाँ आए हुए हैं, आप करनी सेना से हैं, तो आप किस बात को लेकर विरोध कर रहे हैं? करनी सेना और जाट महासभा की बात नहीं, ये बात है राजस्थान के इतिहास की। राजस्थान का इतिहास धूमिल हो रहा है, राजस्थान का इतिहास कचरा हो रहा है, उसको अगर किसी तरीके से गलत दिखाया जाएगा तो करनी सेना उस हर जगह खड़ी मिलेगी, चाहे वो जाट राजा हो और चाहे वो कोई सा भी किसी भी जाति बिरादरी का राजा हो। राजा राजा होता है, राजा कोई जाति जाति बिरादरी जी। किस बात को लेकर विरोध है, क्या ऐसा है इस मूवी में जिसको लेकर आप? सूरजमल जी को एक लालची राजा, एक इस तरीके से राजा बताया गया है जो टाइम आने पर पीछे हट जाता है युद्ध से, जबकि सूरजमल जी वो जिन्होंने जाति भी जो घायल सेना थी मराठों की, उनका 6 महीने तक इलाज करवाया अपने भरतपुर में। तो आपने मूवी देखी है क्या खुद? मैंने खुद ने ये मूवी देखी है, इसीलिए मैं विरोध में हूँ, क्योंकि मैं केवल देखने गया था यस उन्हें मराठाओं का जिन्होंने खूब सारी हजारों लड़ाई लड़ी और बकायदा उनको अच्छा दिखाया गया, पर इसका मतलब ये नहीं कि किसी और राजा को गलत तरीके से दिखाया जाए, उनको उनके जो चरित्र जो चित्रण है उसको धूमिल किया जाए, उनके चरित्र को गलत दिखाया गया। हम लोग आज में विरोध में हैं, जाट महासभा के साथ इसलिए हैं। विश्वेंद्र सिंह जी जो सूरजमल के जो आज के जो वंशज हैं वो हमारे साथ थे, हम भी उनके साथ कंधे से कंधा, आज राजपूत करनी सेना और जाट महासभा साथ खड़ी है यहाँ पे, ये केवल एक विश्वास दिलाने के लिए कि अगर कोई भी गलत करेगा राजस्थान के इतिहास के साथ तो हम सब 3600 कौम साथ खड़े हैं। अगर किसी गलत फहमी है कि अगर सूरजमल अकेले को अगर ये गलत दिखा के कि जाट राजा है, तो जाट राजा नहीं, पहले ये राजस्थान का इतिहास है, राजस्थान का इतिहास धूमिल नहीं होने देंगे। जाट राजा है तो भी राजा राजा ही रहेगा, राजा 3600 कौम के लिए हुआ करता है। आप लोग बात करेंगे क्या जो फिल्म मेकर्स हैं आशुतोष गोवारीकर, वो कोई आपको लगता है कि समझाइश हो सकती है, समाधान निकल सकता है?
समाधान सीधा सीधा है, जो महाराजा सूरजमल जी पे जो सीन दिखाए गए हटा दे अभी के अभी, दिखाए कहाँ दिक्कत आ रही है। तो ये है जाट महासभा और राजपूत करणी सेना के नेता यहाँ पर मांग कर रहे हैं कि जो सीन्स इनके हिसाब से ऑब्जेक्शनेबल है उनको दिखाया जाए और उनकी मांग है कि उनको हटाया भी जाए। ये जो विरोध है ये इस समय राजमंदिर के सामने हो रहा है और राजस्थान में लगभग सारे सिनेमा हॉल्स में से पानीपत मूवी को हटा लिया गया है। राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कहा है कि भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए इसको लेकर। कैमरा पर्सन निखिल शर्मा के साथ देवंकुर वधावन, जयपुर।